जारी किए गए आत्मसमर्पण योजना के तहत साल भर में विभिन्न मुठभेड़ों में नक्सलियों का किया गया खात्मा और हिंसा के जीवन को परेशान हुए वरिष्ठ नक्सलियों सहित अधिक जहल नक्सलियों ने आज तक आत्मसमर्पण किया है। उसी के चलते आत्मसमर्पित नक्सलियों का गढ़चिरौली पुलिस द्वारा पुनर्वास के कारण नक्सली बड़ी मात्रा में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हाल ही में 20 लाख रुपए इनाम रहे नक्सल नाम एक दीपक उर्फ मुंशी राम सू ईष्टाम उम्र 34 वर्ष गडेरी पुलिस सहायता केंद्र कोटमी तहसील एटापल्ली जिला गढ़चिरौली, दूसरा शामपति नेवरू आलम उम्र 25 वर्ष हिदवाड़ा पुलिस स्टेशन ओरछा जिला नारायणपुर, इन्होंने पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल इनके सामने आत्मसमर्पण किया। दीपक इष्टाम और शामबत्ती आलम यह दोनों पति पत्नी हैं और प्लाटून क्रमांक 21 में कार्यरत हैं। दीपक इष्टाम यह डीवीसी पद पर और शामबत्ती आलम ये प्लाटून सदस्य के पद पर कार्यरत थे। दीपक इष्टाम इस पर खून के 3 मुठभेड़ के 8 आगजनी के 2 अपराध दर्ज हैं। माह जुलाई 2001 में वह कसनसू दलम सदस्य पद पर भर्ती हुआ था। माह अक्टूबर 2001 से नवंबर 2002 तक वह चामोशी दलम में सदस्य रहा। उसके बाद वह सीसीएम देवजी के प्रोटेक्शन गार्ड में माह अक्टूबर 2004 तक कार्यरत था। कंपनी क्रमांक 1 ए सेक्शन में उप कमांडर एवं साल 2006 में कमांडर था। 2009 से 2015 तक यह कंपनी क्रमांक 1 में ए प्लाटून कमांडर था। माह फरवरी 2015 से आज तक वह प्लाटून क्रमांक 21 में डीवीसी पद पर कार्यरत था। नक्सल में कार्यरत रहते समय उसने विभिन्न जगहों पर 6 अंबुश लगाए थे। उसने लगाए हुए अंबुश में छत्तीसगढ़ के कुदूर घाटी 4, झारा घाटी 2, कोंगेरा 25, ऐसे कुल 31 जवान शहीद हुए। पत्नी शामबत्ती इस पर मुठभेड़ के 2 अपराध दर्ज हैं और वह 2015 में जनमिलिशिया सदस्य उसके साथ प्लाटून क्रमांक 16 में सदस्य पद पर भर्ती होकर जनवरी 2017 तक कार्यरत थी। माह जनवरी 2017 में प्लाटून क्रमांक 21 में अब तक कार्यरत थी। सरकार ने दीपक इष्टाम इस पर 16 लाख रुपए और शामबत्ती आलम इसके ऊपर 4 लाख रुपयों का इनाम घोषित किया था। उन्होंने आत्मसमर्पण के कारण पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से दीपक इष्टाम को 6 लाख रुपए और शामबत्ती आलम इनको 2.5 लाख रुपए और पति पत्नी के सामूहिक आत्मसमर्पण के कारण अतिरिक्त 1.5 लाख, ऐसे कुल 10 लाख रुपए और सरकार के अन्य योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। गढ़चिरौली जिला पुलिस बल के द्वारा प्रभावी नक्सली विरोधी अभियान चलाने के कारण साल 2019 से 2022 साल में अब तक कुल 45 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें 5 डीवीसी, 2 दलम कमांडर, 3 उप कमांडर, 34 सदस्य और 1 जनमिलिशिया का समावेश है। नक्सलियों को आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में लाने की कार्रवाई गढ़चिरौली जिले के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, अपर पुलिस अधीक्षक सौम्य मुंडे, अपर पुलिस अधीक्षक समीर शेख, अपर पुलिस अधीक्षक अहेरी अनुज तारे इनके मार्गदर्शन में विशेष अभियान पथक के सहायक पुलिस निरीक्षक बाबा साहेब दुधाल इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। टीसीओसी सप्ताह के मौके पर 2 चरमपंथी नक्सलियों का गढ़चिरौली पुलिस बल के सामने आत्मसमर्पण करने से नक्सली गतिविधियों को प्रतिबंधित करने में गढ़चिरौली पुलिस बल ने बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक कुल 649 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और गढ़चिरौली पुलिस बल के माध्यम से कुल 144 आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भूखंड, 117 आत्मसमर्पित नक्सल सदस्यों को घरकुल योजनाओं के तहत आवास, 643 आत्मसमर्पित नक्सल सदस्यों को आधार कार्ड का वितरण, 36 महिला नक्सल सदस्यों को सिलाई मशीन का वितरण, 23 आत्मसमर्पित नक्सल सदस्यों को बकरी पालन और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ दिए गए हैं। इसका नतीजा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ रही है और वे लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। विकास कार्य में बाधा पहुंचाने वाले नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुलिस विभाग सक्षम है। हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए और लोकतंत्र में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इच्छुक नक्सलियों को गढ़चिरौली पुलिस बल पूरी ताकत के साथ सहयोग करेगा। इसलिए राह भटके हुए नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल होकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए आत्मसमर्पण करने का आह्वान पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली अंकित गोयल इन्होंने किया है। गढ़चिरौली पुलिस दल के सामने डिविजनल कमेटी मेंबर इष्टाम, उसकी पत्नी शामबत्ती, ये दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। दीपक इष्टाम ये डिविजनल कमेटी का मेंबर प्लाटून 21 का कमांडर था जो अबूझमाड़ एरिया में, और शामबत्ती उसी प्लाटून की एक सदस्य थी।
ये दोनों ने नक्सल की खूनी विचारधारा से परेशान होकर, उससे भ्रमित होकर मुख्य धारा में आने का फैसला किया है। गढ़चुली पुलिस दल के सामने आने के बाद उनके पुनर्वसन के लिए शासन की जो धोरण है, जिसमें उनको जो कैश रिवॉर्ड मिलता है, वो जो उनको घर कुल प्लॉट्स और उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनको नौकरी वगैरह या स्वरोजगार देने की जो भी हमारा धोरण है, उसके हिसाब से हम उनका पुनर्वसन करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। थैंक यू। गढ़चिरौली से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।